Why this board here? The most wanted is here. नारद राव जी कहाँ हैं आप? अरे तुम भी यही हो, तुम मुझे जानते हो? नहीं क्या? जानता, मगर तुम तो यही हो ना। वैसे नारद राव जी कहाँ हैं? बाथरूम में। ओ, मतलब वो फ्री हैं? विजयवाड़ा में मेरे जैसा गजकेशरी कोई नहीं है यार। स्वर्ग लोक में नारद जी और एपी में नारद राव मूवमेंट, ऐसा है मेरे काम करने का तरीका। नारद राव जी, नाइस मीटिंग यू। बंगा राजा नाम है मेरा, गंगा राजा ने आपके पास भेजा है। गंगा राजा का बिजनेस मैंने बहुत अच्छे से संभाला, इससे वो खुश होकर मुझसे कहने लगा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू शहर चला जा। तो मैंने कहा शहर में बड़े बड़े गुंडे बदमाश होते हैं, तो आपको पता है गंगा राजा ने क्या कहा मुझसे? तू है कौन? एग्जैक्टली ऐसा ही कहा था। कहा था कि शहर चले जाओ, नारद राव जी के पास जॉब कर लो, राजा की तरह जियोगे। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा पता है? तेरी जिंदगी यहाँ दोजख बन जाएगी, तो अपनी जन्नत यहाँ बना। तू मुझे नहीं जानता, चल जा। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बोला था। जंगल राजा ने भी डर के मारे बिल्कुल ऐसे ही कहा था। उस पर गंगा राजा ने पता है क्या कहा? हाथ जोड़ता हूँ यार, उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। इस पर मैंने क्या कहा पता है? तो मुझे ऐसे ही भेज रहे हो तो नारद राव जी मुझे जॉब देंगे कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? वो एक नंबर का गधा है। वो गधा ही है, नारद राव जी के पास जॉब की कोई कमी नहीं है, वो धोखेबाज भी नहीं है, मुझे पता है। नौकरी देने के लिए थैंक्स, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। खत्म हो गया? आपका भी हो गया लगता है, जिप बंद कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू मच सर जी, मच टू मच सर जी, थैंक यू वेरी मच सर जी, आज से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। साइन किधर करना है बताओ? अरे तू क्या बिगाड़ लिया मेरा? क्या करूंगा भाई, ये एड्रेस कहाँ है? सर सर रुकिए, अरे रुकिए, अरे सर, शहर के बड़ा होने के साथ साथ बिल्डिंगें भी बड़ी होती जा रही और कपड़े कम होते जा रहे हैं। कुरियर अभी तक क्यों नहीं आया भाई? तूने जितना मांगा था मैंने उतने ही दिए तुझे, 2 बजे तक आएगा बोला था, 4 बज रहे हैं भाई। कुरियर? हाँ? कवर निकाल बे। अगर कवर निकालूंगा तो फट जाएगा, कवर डैमेज हो जाएगा तो करियर तबाह हो जाएगा। खुद ही निकाल लीजिए, कवर ले लीजिए, साइन कीजिए, टायर दीजिए, रिटर्न करना है। तेरे तो ये क्या है सर जी, परसों पेपर में आया हुआ आर्टिकल सही है? उस लड़की का रेप करने वाले एक्स एमएलए आप ही हैं। बहुत गलत बात है सर। ए बाबू इसे मार दे। मुझे एक प्रॉब्लम है सर, मुझे गुस्सा नहीं आता। आप मुझे गुस्सा दिलाने की जितनी भी कोशिश कर लीजिए पर आप नाकाम हो जाएंगे, शायद आप मुझे मार डालोगे। क्योंकि मैं ये फोटो लेके भागूंगा, मेरे मन को भाया, मैं फोटो लेके भागा, मैं सीधा सीधा दौड़ू फिर उल्टा उल्टा दौड़ू, इसे कहते हैं हड़कने। ये है शाहरुख का स्टैंड, अब देखो सलमान का एक्शन। ये है कट्टप्पा स्टाइल, बिना बोले अटैक, और ये मारी गुलाटी पकड़, और ये रहा जैकी चैन का जलवा, और इसे कहते हैं लैंडिंग, फिर ली पोजीशन और निकले सर पर। भाई
कौन है बे वो? बाप रे, कुछ बोलने से पहले ही क्यों मार रहे हो यार? उसने मेरे भाई को जेल में डलवाया, उसने डलवाया है ना? कुरियर तेरा था। पर किया तो उसने, तूने उसे काम पर रखा? मैंने कहा रखा, वो तो खुद ही ज्वाइन हो गया। तो इस सिटी में मत दिखना। किसी भी सिटी में नहीं दिखूंगा। वो बंगा राजा मिले तो कॉल करना। तो फिर गंदे दो। बाप रे, कॉल करना। चलो यहाँ से, चल 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 चलो। चलिए सर, आपकी धुलाई करने आ रहे हैं। वो हो चुकी है। वो तो मुझे दिख रहा है, वो तो एक्स एमएलए का बैच था सर। तो अब कौन आ रहा है? ब्लैकमेल करने वाले का बैच। मेरा सामान कहाँ गया? अरे गंगा राजा, वो बंगा राजा मेरी बैंड बजा रहा है। अरे तेरी बैंड बजाने के लिए ही बंगा राजा को तेरे पास भेजा है, समझा क्या? बंगा राजा के बारे में जानता नहीं है तू? अरे वो जहाँ पे भी जाता है उसके फोर्स की वजह से सामने वाले की बैंड बज जाती है, समझा क्या? अरे भाई, पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या रे कल्याणी, तुमने कहा था मेरे घर पे आ जाना। मैं घर पे गया तो घर पे ताला लगा था। पैसे देने के लिए मैं यहाँ आ गया। देखो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, समझ रही हो ना? क्या है? देखिए आपकी मौत आ रही है। बोले पेन किलर का तो पूरा कोर्स कर लिया लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। अब आईएसआई मार्क का दूसरा फोर्स यूज कर रहा हूँ। तो फिर तूने बदला लेने के लिए मेरे पास भेजा क्या? और नहीं तो क्या, रिकॉर्ड किए हुए मैच को मुझे दिखा दिखा के तूने मुझसे काफी पैसे ऐटे हैं। उसका हिसाब पूरा करना था इसलिए मैंने उसे भेज दिया है। तुझे किसी पे गुस्सा है तो तू भी उसको किसी और के पास भेज दे, वो तेरा बदला ले लेगा। अब मैं इसे किसके पास भेजूं? क्या रे नारद, कैसा है यार? वैसे तो कैसा भी हो मुझे इस बात से क्या करना है? सुना है तेरे दो बच्चों में से एक बच्चा मेरे पे गया है। नीच, अपना मुंह बंद कर। तो फिर तेरा बकवास बिजनेस कैसे चल रहा है यार? अच्छा चल रहा है, तेरे शोरूम के जैसा मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है और ये एक लड़के की वजह से हो रहा है। अच्छा, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सर यहाँ रहूंगा तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, हैदराबाद में मेरी अपनी पहचान होगी। उसकी बात सुन के मुझे तेरी याद आ गई, इसीलिए तो फोन किया तुझे। भेज दे, मैं देख लूंगा। वही तुझे देख लेगा, रखता हूँ। सर मेरा एक जूता नहीं मिल रहा। अभी तक तो उसी से मैं अपने आप को मार रहा था। हा? चल उसे रहने दे, अभी तू पहले इधर आ। ओके सर। मैं ये बिजनेस छोड़ के फार्म हाउस जा रहा हूँ, तू भी विजयवाड़ा छोड़कर हैदराबाद चला जा। हैदराबाद जाकर इस पते पे इस आदमी से मिल लेना, एड्रेस संभाल के रखना। लेकिन सर हैदराबाद में बड़े बड़े चोर हैं, ऐसा रंगा जी ने कहा था। कितने बड़े भी चोर हो लेकिन उन्हें तेरे बारे में नहीं पता, समझा? ये मेरा दावा है, चल अब जा। प्लीज कम सर, आज ही इसे हांगकांग से इंपोर्ट किया है सर। वो बेटिंग का मनी हांगकांग कैसे लेके आया ये किसी को नहीं पता। जस्ट 9,900 ओनली सर। आई टेक इट। ऑल ओरिजिनल सर। पापा, प्योर गोल्ड एंड डायमंड्स। अभी के अभी उसे जहां पहुंचना है पहुंचा दो, तब तक संभाल कर रखो। मेरे घर पे आने की हिम्मत किसकी है? सोना अच्छे अच्छे लोगों की नियत बदल देता है, साधुओं से भी वो काम करवाता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सर 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 सर, इस पेपर पे लिखा एड्रेस कहाँ है? इस पेपर पे? हाँ यहाँ है। यहाँ के लोगों को तीखा और मजाक बहुत पसंद है, ऐसे अगर दो चार और मिल गए तो। यहाँ के लोगों को तीखा और मजाक पसंद है लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। Thank you.
गीता मैडम, आप थोड़ा सा मिस कर गए, नहीं तो मिस इंडिया बन जाती। मुझे चार्ज करना छोड़ो और 500 का रिचार्ज करो। ठीक है मैडम। मैडम मैडम चेंज। मैं तो ऐसे ढूंढ। ऑटो। अरे मैडम। अरे बस जा रही है, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। टिकट टिकट। मेरा बैग किसी ने काट दिया। बैग चोरी हो गया? नहीं, कटा हुआ है। स्टॉप द बस। चोरी कर लिया? नहीं, कट किया। अरे कैसा देश है ये अपना, है? नयनतारा और नमिता का मंदिर बनाने वाला अपना ये देश, ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखने वाला अपना ये देश, आइटम सॉन्ग पर 100 रुपए खर्च करके मजे लेने वाला अपना ये देश, ऐसे ही देश में दिन दहाड़े एक खूबसूरत लड़की का फुल बस में बैग चोरी हो जाता है। कट किया है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी की आंख से काजल चुरा लेना। और इस बस में जो शरीफ दिख रहे हैं शायद उनमें से कोई ना कोई तो है जिसने चोरी की है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बताओ इनमें से तुम्हें किस में शक है? उसकी तो तुम्हारे ऊपर ही है। बात हीरो जैसी कर रहे हो और काम चोरों जैसे। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मुझे मरने का मन कर रहा है। इतना बड़ा अपमान, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया हो। बड़ी-बड़ी बातें। मैं जा रहा हूँ। पर्स क्या बात है? पहले देखे जा। कहाँ जाओगे? क्यों? अबे पहले पर्स दे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूँ ना। ये लो रखो तुम्हारा बैग। चलो साइड दो, मुझे जाना है। इतनी जोर से क्यों मारा? अभी तो इन लोगों ने इतना मार दिया, फिर तुमने क्यों मारा? ये कट किया इसलिए और ये चुराने के लिए। लगता है यहाँ सब चोर ही भरे पड़े हुए हैं। वो देखो एक और चोर। चुप हो जाइए, मैं चोर नहीं हूँ। रंगा। अरे बंगा राजा, अच्छा हुआ तू मिल गया। तुझसे मिलके तो सालों हो गए यार। कैसा है तू? ये क्या देख रहा हूँ, तू तो एकदम चिकना हो गया। हाँ यार, जस्ट अभी भी फेशियल हुआ मेरा। अच्छा तो वही पुराना धंधा चालू है तेरा? क्या करूँ यार, माँ बाप के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, वही तो सीखा। अच्छा ये बता, महीने का कितना कमा लेता है? वो क्या है ना, ब्लेड का खर्च और पुलिस का कमीशन निकाल के करीब 50,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है। क्या है कि उन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है और तुझे तो वो भी नहीं। नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मुझे जाने के डर से नहीं, भागने के डर से रोका। ए बस को पुलिस स्टेशन लेके चलो। चलो चलो। पैसे दीजिए। ओ सॉरी। मैं तो एड्रेस ढूंढ। अरे ओ मैडम, मुझे जाना है यार। क्या अर्जेंट है क्या भाई? बहुत ही अर्जेंट है। तो फिर ऐसा बोलो ना भाई। अरे बाप रे, सॉरी, इतनी जोर से कोई मारता है क्या? अरे मैडम रुकिए, मेरे पैसे। हेलो। क्या बात है यार, तुम दोनों का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बिछड़े हुए लवर्स मिल गए हो। हेलो, तुम लोग अपना प्यार का खेल बाद में खेलते रहना, पहले पैसे दो। सॉरी, I'm so sorry, मैं आपको चोर समझ बैठी। अरे अरे क्या कह रही हैं आप जैसी खूबसूरत लड़की का भी बैग चुराते हैं। गलत मत बोल यार, तुझे पता है ना चोर कभी लोगों को देखता नहीं है, उसकी नजर तो सिर्फ पर्स पर होती, क्यों है ना। ओके यार, आज का कोटा पूरा हो गया, मैं चलता हूँ, तू संभाल ले। आपका फ्रेंड है क्या? हाँ बहुत ही पुराना फ्रेंड है। अरे मेरा पर्स चुरा के ले गया। कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। मैडम जरा ये एड्रेस बता सकती हैं? बताना क्या, मैं आपको छोड़ ही आती हूँ, चलिए। ये लीजिए, ये तो यही पर है। यही है ना? हाँ। शोरूम तो अच्छा है, और मेरी दाई आग भी फड़क रही है, शायद लाइफ में अच्छा ट्विस्ट आने वाला है।
क्या है? शोरूम के बाहर खड़ा रहेगा तो मेरे स्टूडेंट को मारोगे क्या? मारूंगा ही ना, ये वोल्वो कार है, चिंदी चोरों के देखने की कार नहीं है। क्या कहा? चिंदी चोर? मेरे स्टूडेंट को चिंदी चोर कहा? तू ही चिंदी चोर है, तू चिंदी चोर है बेवकूफ। इसकी तो ए उस बुढ़िया को पकड़ो। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते मैंने आपसे नहीं कहा, इनसे कहा। इनको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते कहने का मन करता है, और आप हैं कि इन पर हाथ उठा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कौन है बे तू? मुझे सिखा रहा है? चुपचाप देखते जाओ। स्कूल में कंचे ले जाते हो? उसे मार बोला तो मुझे मारा, तुझे दिख नहीं रहा? भगवान, मुझे गुस्सा नहीं आता माँ जी, वो लोग गुस्से में हैं और इस तरह गुस्सा निकालने से उन्हें शांति मिलती है। ए, मसाज कर रहा है क्या? सर के ऊपर मार। और एक छेद बना दिया। अबे कौन है? मेरा नाम बंगा राजा है, नारद राव जी ने आपके पास जॉब के लिए भेजा था। मैं नहीं दूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। जहाँ औरतों की और बच्चों की इज्जत नहीं होती, वहाँ का पानी भी हराम है। चलिए माँ जी। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। सच में माँ जी? तो बाद में याद कर लीजिए, अभी चलते हैं। अबे नारद, तूने किसे भेजा? ये कैंडिडेट है या एक्सीडेंट है? कौवे ने दाई ओर किया, मतलब कुछ तो हुआ है। बाय टीचर। अपने बारे में कुछ बताओ बेटा। जेब में पैसे नहीं है माँ जी, फिर भी मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, फिर भी मैं अनाथ नहीं हूँ। वो कैसे? मेहनत करने वाला कोई भी शख्स गरीब नहीं होता, और वैसे आप जैसे अच्छे लोग मुझे बेटे जैसा माने तो फिर मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, मेरे बड़े बेटे की। बड़े बेटे की? उसकी आदतें भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी। तो फिर छोटा कहाँ? आ जाओ छोटे। माँ, भाई आ गया है। ये कौन है? भाई माँ को बचाने के लिए थैंक्स। तुम्हें भी थैंक्स छोटे। मुझे क्यों? तुमने भाई बना दिया और माँ ने मुझे बेटा मान लिया। सुन, इसके लिए भी कोई अच्छा सा जॉब देख। कहीं और क्यों? अपने ही स्टोर में सेल्स का जॉब है ना? सेल्स नहीं, वो मुझ जैसा बैल नहीं कर पाएगा। तो फिर कैश काउंटर देख लो। मुझे हिसाब किताब से नफरत है, वो काम मुझसे नहीं होगा। मैनेजर? नो थैंक्स। बात यह है कि कुछ कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं, जैसे किसी के अंडर में काम करना। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। कड़वा निकला, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मैंने सोचा था तू मेरे बड़े बेटे जैसा है, लेकिन ये सोचने में शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी माँ। अगर इसके जरिए मुझे नौकरी मिले और कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसका नाम खराब हो जाएगा। मैं जहां भी काम करता हूं वहां ना चाहते हुए भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है और काफी नुकसान हो जाता है। मेरे कारण आप लोगों को कोई तकलीफ हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ऐसी बात कही। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम्हारी वजह से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा।
कुछ लोग गलती करने के लिए चेहरे पर मास्क लगाते हैं और कुछ लोग गलती छुपाने के लिए चेहरे पे मास्क लगाते हैं। तब मैं घर पे नहीं था। ए सर, रात को जो लोग घर पे थे उन्हें ऊपर बुलाओ। ओके सर। सुनो, लास्ट में आने वाले को मैं मारूंगा। लास्ट में आने वाला कमजोर होता है, सर, वो मेरे किसी काम का नहीं। सर, तू पहले आया है। पहले आने वाले को मरने का बहुत डर होता है, सर, वो भी मुझे सर, नहीं सर, चाहिए मास्क कहाँ मिला था तुम्हें? घर के बाहर शॉप के सामने। उसके बगल में एक एटीएम है, वहाँ कैमरा लगा होगा। अच्छा आइडिया सर। अपना सर्टिफिकेट तू अपनी जेब में रख, जा।
ये काम तुझे पहले ही करना चाहिए था। इस कमीने को ढूंढ कर मैं खत्म कर दूंगा। नहीं मारोगे। इस मूर्ति के बारे में पता चला है, इसका मतलब और भी मूर्तियों के बारे में जानने का चांस है, तो सिक्योरिटी को टाइट करो। कैसे पता चलेगा वो मूर्तियां कहाँ रखी हैं? सिर्फ हम दोनों को पता है। वॉल्ट ओपन करने के लिए 10 डिजिट का पासवर्ड, वॉइस रिकॉग्निशन, रेटिना। गलती करना गलत नहीं होता, गलती को रिपीट करना गलत होता है। उन मूर्तियों की वैल्यू है 900 करोड़। नॉर्थ से यहां आकर मैंने शादी की और तेरे जैसे बेटे को पैदा किया। भाई मॉल कमाल है, कलेक्शन भी सुपर है। ये सेल्स हेड है। हाय हाउ आर यू? कौन है ये? गांव से आया है लगता है। ये भी सेल्स में है। ये सेल्स वाले तो बेल्स लग रहे हैं। इन मेल्स की जगह तो फीमेल्स को रखना चाहिए। हाय आई एम बंगा राजा योर कलीग। हम बेल्स हैं। ऐसा किसने कहा? तूने। क्या कहा? बेल लग रहे हैं। कौन बेल? हम लोग। वही तो मैंने भी कहा। सेल्स और बेल्स का राइमिंग होता है, इसीलिए कह दिया। तो बुल कहना चाहिए था ना। वो तो मैं हूँ ना। तुम बुल हो। ये किसने कहा? तुम ही ने। क्या कहा? बुल कहा। कौन बुल? तुम। थैंक्स यार। एक ही दिन के अंदर फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स और रूममेट्स मिल जाएंगे, ऐसा सोचा नहीं। फ्रेंड्स? हाँ। रूममेट? ये तो बहुत चालाक लगता है। आज शाम को पार्टी में मिलोगे? वो बॉटल भी होगी ना। और जेब में माल है ना? माल मेरे भाई की जेब में। भाई मुझे एक 10,000 रुपए एडवांस चाहिए, फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। फ्रेंड्स को? तुम कमाल हो ब्रदर, भूल गए? तुम्हें तो मिलवाया, यही मेरे फ्रेंड्स है। तुम्हें इन्हें पार्टी देने के लिए 10,000 चाहिए? इनके लिए इतनी बड़ी पार्टी? 9,000 माँ की साड़ी और तेरे परफ्यूम की बॉटल के लिए, बाकी पैसे से इनको पार्टी दे दूंगा। साड़ी और परफ्यूम खरीदने के बाद जो बचा है वो 950 है। एक तो 1,000 रुपए की चीप सी पार्टी दे रहे, उसमें भी 50 रुपए कम। अरे इतना बड़ा वो उठा नहीं पाएगा, दे दे जल्दी कर। ए रंगा, ए बंगा, ए रुक मैं आ रहा हूँ। ए कमरबंद को गले में क्यों बांध रखा है? दे आओ बैलो, मेरे बचपन के दोस्त से मिलवाता हूँ। ये इसके दोस्त है क्या? अरे हम भी तो इसके फ्रेंड है ना यार। जाओ यार आगे रोड अच्छा नहीं है। अच्छे से जाना, कल मैं यहीं मिलूंगा, फिर से जरा लोड होकर के आना। चलो जाओ बंगा, मेरे ब्लैक गोल्ड। रंगा लग जा गले। मैंने सोचा तू छोटा मोटा चोर है, लेकिन तू तो घोड़ा उड़ा रखता है। बस कुछ दिन पहले खुद को प्रमोट किया है। वाह वाह। ये लोग कौन है? तेरे फ्रेंड्स है क्या? हाँ फ्रेंड्स। हाय हाय। बंगा के फ्रेंड है तो मेरे ही फ्रेंड हो गए। निकालो निकालो। ये असली है क्या? हाँ बंगा ये असली है। तूने पूछा तो मैंने चला दिया, मुझे भी इसकी आदत नहीं यार। तू तो फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ता, बड़ा सिंसियर चोर है। देख अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? हम लोग काफी दिनों बाद मिले तो तेरा पैसा चोरी करना बनता है ना। तू तो चोरों का सुपरस्टार है यार। तू सुपर बंगा है। तुम लोग सोना निकालो ना जल्दी जल्दी जल्दी। ये घोड़ा कहाँ मिला? परसों डीएसपी के यहाँ चोरी की थी यार। ये देख क्या रहा, सोना निकालो ना। मेरे पास कुछ नहीं है। वो ब्रेसलेट है ना, वो तो छोड़ दे। अच्छा ये रहे। है ना? मेरा दोस्त, मेरा बंगा। चल अगली बार फिर मिलते हैं। लोड़ो क्या ना। बाय दोस्त। चल बाय। मिलते हैं। अरे रंगा। हाँ बंगा, क्या हुआ भाई? मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने का वादा किया था। हाँ? तो अगर 50 रुपया दे देगा तो इन्हें टी पार्टी दे दूंगा। इसके लिए इतना शर्माता क्यों है? ये ले। अब लेना। मैंने तो 50 मांगे थे। फ्रेंड्स के बीच शर्माना कैसा यार, रख ले रख ले। अब दोस्त मिले तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। चल बाय बाय बाय। थैंक यू यार। बंगा के फ्रेंड तो मेरे फ्रेंड भी हुए ना। बाय। ये सिर्फ पेशे से चोर है पर कैरेक्टर से हीरो है। लुटवा दिया। चलो चलो। अरे चलो यार टी पार्टी करते हैं। टी तो क्या, मिट्टी पार्टी भी नहीं चाहिए। अरे यार तुम तो हर्ट हो गए। तूने आखिर किया ही क्या जिससे हम खुश हो जाएं? तू अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल देता है। अरे तू तो मुसीबत को पीछे से बुलाता है। इसे हम साथ नहीं ले जाएंगे, जब से अपने जाते अपना बैड लक साथ में चल रहा है। इसकी गरीबी इसी को मुबारक हो। ये ले तेरे 5,00,000 रुपए, गिन लेना। क्या? मुझे पता है तो बिल्कुल नहीं गिनेगा। सर सर सर, ये किस चीज का दे गया? अरे वो कौन था और क्यों दे गया मुझे 5,00,000? अरे वो तो तेरे लिए भगवान की तरह आया था। हमें पार्टी देगा। बाबा। We'll be right back.
सॉरी सॉरी सॉरी। एक बार सॉरी बोलने में या 10 बार सॉरी बोलने में क्या फर्क है, दोनों एक ही बात है ना। तो फिर नो सॉरी। तू शहर में वापस कब आया रे? कल ही आया। क्यों कल आया? तो मिला क्यों नहीं? मुझे आके डिस्चार्ज करना था ना। तेरी खिसक गई है क्या? बुद्धा आएंगे ये कहा था, बुद्धि के बल पे 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया, उसके बाद तूने ज्यादा रेट बोली। नहीं दिया तो मेरा पैसा तो वापस लौटा, तू सिटी छोड़ के भाग गया। बुद्धा के चक्कर में तू अपनी सुध खो बैठा है, मैं तुझसे क्या लूंगा? दारू ज्यादा होगी तो डाउट कर ले, लेकिन जोक मत कर। तू शौक मत दे। मैं कौन हूँ तू जानता है? अच्छी तरह जानता हूँ, तू एक बड़ा चूरा लगाने वाला पक्का चोर है और मैं दिमाग से खिसका हुआ। हाँ वो तो मालूम है। इधर आ इधर आ, तेरी आवाज, तेरा जोक पका हो रहा है। सुन सुन सुन, तेरी आवाज बहुत अच्छी, तू सुना ना कोई जोक, जल्दी सुना। हाँ बोलता हूँ बोलता हूँ, सुना सुना सुना। अखिलेश, राहुल बाबा और लालू एक कार में जा रहे थे। अभी तो जोक शुरू ही किया था। अभी के लिए ये 5 काफी है, बाकी 95 सुबह का पेपर आने तक ये मेरे पास रहने चाहिए, नहीं तो परसों के दिन तेरे मरने की खबर पेपर में आएगी। गुड न्यूज। अखिलेश, राहुल बाबा और लालू एक साथ एक कार में जा रहे थे। उनकी कार कौन ड्राइव कर रहा था, कोई मुलायम था या कठोर था? कौन था ये? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आपका ऑर्डर सर। बाप रे। सर तो बिल ले आओ। कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी। इस तरफ जाना है। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं होगा, झप्पी देनी पड़ेगी डार्लिंग। झप्पी दूंगा तो पप्पी भी देनी पड़ेगी। अब तो मैं किस भी लेकर रहूंगी। अरे बाउंसर सारे भागो। मैं पान खाकर आता हूँ। अरे जल्दी कर। अरे अरे भाई जरा 1 मिनट रुकना प्लीज, हमें लिफ्ट दीजिए। अरे भागो। लिफ्ट क्या यार, ये कार ले लो। शहर में कब आए? कल ही आया ये। आप इसे जानते हैं क्या? टेंशन मत लो, मैंने ज्यादा नहीं पिया है। नहीं नहीं नहीं, सुनील वर्मा। हाँ ड्रेस देख रहे हैं या टकली को देख रहे हैं? ड्रेस देख रहा हूँ, इस ड्रेस में मेरी बीवी और सुंदर लगेगी, लेकिन इसकी रेट बहुत ज्यादा है। आपका बजट कितना है? 800। 800 में खंबा पी लो, अपनी वाइफ की ओर देखो, कैटरीना कैफ दिखेगी। वाह क्या आइडिया है। और सुनिए, अपनी बीवी को ही देखना। ओके। हाँ क्या हुआ? रात को इतना कुछ हुआ, लेकिन तू इतना खुश हो रहा जैसे रात को अच्छा सपना देख लिया। अरे बुरे सपनों को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए, खाओ खो जाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ। ए, क्या तू सच में इतना इनोसेंट है? आई एम फनोसेंट। लवली सेंट, सेंट पर सेंट, वही सेंट। हेलो जी, दिस वन साइज 7। देखिए जी, या पैकेट बिलेट। थैंक यू। कौन है ये? कोई लड़की है करंट से भरी हुई।
अगर लड़की ने तुम्हें झटका दिया तो एक ही झटके में ऊपर का टिकट कट जाएगा। सच में यार। उनका बैग। एक बार फिर से अचानक से मिल गए। हाँ, बिल्कुल। जॉब मिल गया क्या? हाँ, बहुत सारे मिले। ग्रेट। ओके, मुझे पासपोर्ट ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। बाय। हाँ, मेरे साथ कॉफी पियोगे? पहचान बढ़ाने का इरादा है या फिर से थप्पड़ मारने का इरादा? मैंने बहुत लड़कों को मारा है, मगर आज तक कॉफी के लिए किसी को नहीं बुलाया है। कब और कहाँ? कल 10 o'clock ग्राउंड फ्लोर कॉफी शॉप में मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय द वे, आई एम गीता। आहा, और मैं भगवत। आप भी कमाल है, मौका मिलते ही व्हाट्सएप और फेसबुक पे लग जाती हैं। USA जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड वहाँ से वीजा डॉक्यूमेंट्स भेज रही है, उसे ही सारी डिटेल्स भेज रही हूँ। बाय नेक्स्ट मंथ, बाय इंडिया। मुझे ऐसा लगता है भाई बंगा राजा बोल के जा रही हो। कल तक मुझे लगता था टाइम वेस्ट क्यों करूं, जल्दी से वहाँ चली जाऊं, पर तुमसे मिलने के बाद लगता है कुछ दिन रुक जाती तो अच्छा होता। अच्छा, सच बोलूं तो एक्सक्यूज मी, पता नहीं कौन है, ठंडी के मौसम में मोबाइल से ही गर्म कर रही है, इसका तो मंदिर बनाना चाहिए। तुम्हारी अर्थी। परसों रात मुझे कभी देखा नहीं, ऐसे क्यों देख रहे हो? जरा ठीक से देखो, अभी भी वैसे ही देख रहा हूँ। जी करता है तुम्हें मार डालूं। संजना, come on, show is about to start. फैशन शो स्टार्ट हो रहा है, तुम भी आ जाओ, डैड भी आ रहे हैं, उनसे छिप के रहना, तुम्हें देखा तो लाउड स्पीकर बन जाएंगे। ओके, ठीक है, आ जाऊंगा। वो लड़की कौन थी? नहीं जानता। जिसे मैं जानता हूँ वो लड़की तुम ही हो। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों ऐसा। मुझे पता है तू ही वो आवारा लड़का है। मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी बेटी से मिलना मत, उससे शादी करने का सपना मत देखना, उसके साथ घूमना नहीं। मैं जोर से चिल्लाकर बोला था ना, सुना नहीं? अब तो लगता है तेरा सर फोड़ना ही पड़ेगा मुझे, तभी तू मानेगा। ये मेंटल हॉस्पिटल की सलाखें तोड़ के आया लगता है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मैं तो वही हूँ जो तुम समझ रही हो। अच्छा सुनो, ये यही रह गया तुम्हारा पासपोर्ट। अरे गीता सुनो। गीता, अच्छा तो इससे भी तू चक्कर चला रहा है? जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो आप नहीं समझ रहे। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? उससे थोड़े से ज्यादा। मैंने रिसेंटली एक गन खरीदा है, समझा? मतलब आप मुझे सुनील वर्मा समझ रहे हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो मुझे बता, तुझे सुनील वर्मा का नाम कैसे पता चला भाई? अरे यार, मैं कैसे प्रूफ करके बताऊँ? प्रूफ का क्या है, तेरा रूप ही प्रूफ है। आप अकड़े हो। माजरा क्या है? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल टाइम पे आए हो। माजरा ये है कि कहीं कोई मेरा हमशक्ल है वो एक नंबर का पागल है, मुझे वही समझ के ये पागल मेरे पीछे पड़ा है। अबे रुकिए, ये बंगा राजा है, मेरे भाई है। आप जो इन्हें समझ रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंस तो होगा ना, चेक कर लीजिए। उस पागल के दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं, दिखाने के लिए बोलो। सोच क्या रहे हो, दिखा दो। तो फिर देखा, पैरों की उंगलियां दिखाने के लिए बोला तो कैसे बहाने कर रहा है? इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और क्या कारण वो नहीं है? मेरे पैर कैटरीना जैसे खूबसूरत नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा। लेकिन तुझे दिखाना तो पड़ेगा ही। कम ऑन, आज तू नहीं बच पाएगा। सॉरी, फेस उसके जैसा है इसलिए मैं धोखा खा गया। ओके। सर 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 सर, अरे आपको सॉरी तो बोल दिया ना? आपने सॉरी तो कह दिया, गीता बाय बोल के गई, लेकिन मेरी असलियत गीता को बतानी होगी ना। मुझे एक आइडिया है। बोलिए। क्विक रिजल्ट। क्विक रिजल्ट ये क्या? तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। अच्छा,
तुम सुनील वर्मा के जैसे दिखते हो ना, तो मेरी बेटी से मिलकर उसके साथ बदतमीजी करके उसके साथ ब्रेकअप करके आ जाओ। उसके बाद मैं गीता से मिलकर उसको बता दूंगा कि तू गोल्ड जैसा है। नहीं नहीं सर, ऐसा करने से झूठ बोलने का इल्जाम लगेगा। अरे लेकिन मेरी बेटी का जीवन तो अच्छा हो जाएगा ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, मुझे हेल्प करना यार। ठीक है करूंगा। तो फिर मैं सुनील वर्मा नहीं हूँ, इस बात का उसे शक हुआ तो? उतना उसको दिमाग नहीं है, अगर उसके पास दिमाग होता तो मैनरलेस फेलो से प्यार क्यों करती? बोलो, तुम दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ब्लैक कोट ब्लैक चश्मा पहनकर भारी वॉइस में बात कर रहा है। देखिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें फैशन शो देखने के लिए कहा था, करने के लिए नहीं। व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी अपू, आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। बाबू ये रैंप वॉक है, इवनिंग वॉक नहीं। संजना कौन है ये? आई एम गोल्ड। और ये कौन है? ओह गॉड, व्हाट टू डू? व्हाट आर यू डूइंग? पहले जब कॉफी शॉप में मिले थे तब भी ऐसा अजीब बिहेव कर रहे थे। अगर वैसा बिहेव किया है तो वो बंगा राजा ही होगा। बंगा राजा? वो कौन है? कौन है ये? आई एम गोल्ड। और ये कौन है? ओह माय गॉड, वेयर इज माय बॉडीगार्ड? हाँ बिल्कुल, बिना बॉडी वाले को बॉडीगार्ड तो चाहिए। यू ए, लड़कियां मुझसे हाथ मिलाना चाहती है और तू हाथ उठा रही है। तेरी लाइन काट, ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप, गुड बाय। बेबी बेबी सर, बेबी 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 सुनो, बेबी कहाँ जा रही हो? मुझे फिकर मरने के लिए। बेबी सर सर, क्विक रिजल्ट, गीता से फोन करके बोलिए कि मैं असली गोल्ड हूँ। अरे यार वहाँ वो बोल्ड डिसीजन लेने जा रही है, तुझे गोल्ड की पड़ी है, तू ये मेरा कार्ड रख। हाँ? तू कभी भी फोन करेगा मैं मारूंगा। सर सर सर, मुझे मारना नहीं। यहाँ नहीं। पकड़ इसे। रुक जाओ। रुक। Say it, darling. ढूंढो उसे। मेरे जैसा कोई और है, अपने बॉस से जाके बोलना। ठीक है भाई, वो यहां पर है।
इधर है वो। कहाँ है वो? ये रहा। बस कर भाई। भाई। डोंट शूट। वो मर गया तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सॉरी 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 भैया, मैं वो नहीं हूँ। अरे रुक जा यार, रुक जाओ यार, डेंजर है भाई। सुनोगे नहीं तो ऐसा ही होगा ना। तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ। महादेव के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दरअसल मैं ए, सुनील वर्मा तो मिल ही गया रे, टीवी में कैटवॉक करते हुए मिला। अरे यार आप लोग कौन हो यार? बाकी का 95 पेपर में आने से पहले मेरे पास आना चाहिए था, बोला था ना रे तुझे। सर मैं पेपर में तो आया लेकिन तू नहीं आया, तो मैंने पेपर को फाड़ दिया। अरे यार अभी तेरे भाई को भी फाड़ दूंगा मैं। आजा प्यारे आजा, से वर्ल्ड ग्लास फैक्ट्री में हूँ मैं। आएगा तो बुद्धा के साथ आ, नहीं तो पैसे के साथ आ। रुक तेरे भाई के साथ एक सेल्फी भेजता हूँ मैं। सेल्फी प्लीज विद ब्लड फेस। सर मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मैं सुनील वर्मा नहीं हूँ, मैं बंगा राजा हूँ। ओ बंगा राजा। हाँ। अगर तू बंगा राजा है तो मैं दंगा राजा हूँ। सर उसके पैर में 6 उंगलियां हैं, मेरे पैर में 5 उंगलियां, और मेरे सिर पे सींग होगा तो क्या करूँ रे? देखिए सर आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरी एक्टिंग गजब की है, थोड़ी मुझे भी सिखा दे, सुना है पॉलिटिक्स में बहुत जगह बाकी है। ओहो तो आप ही बताइए मैं कैसे यकीन दिलाऊं। तो फिर एक काम करते हैं, तेरे जैसे हूबहू दिखने वाले को यहाँ पे लेके आ जा, तो मैं तेरे भाई को छोड़ दूंगा, नहीं तो हे भगवान मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? गुस्सा नहीं आ रहा तो थोड़ी और प्रैक्टिस कर, उसको लेकर आ और इसको लेकर जा, नहीं तो मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, लेकर आता हूँ। अरे यार अब आप कौन बोल रहे हैं मेरे भाई? सुनील वर्मा। ए बंगा राजा, तूने मेरे लिए एक अच्छा काम किया, बिल्कुल मेरे जैसा पैदा हुआ, तेरी वजह से मेरे काफी सारे काम आसान हो गए।
लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन, सुनील वर्मा को हर्ट करने का मतलब है लाइफलाइन को कट करना। आखिर तू है कहाँ? मिलने की इतनी जल्दी क्या है? हाँ फिर भी अगर मिलना ही है तो चूहा और बिल्ली का खेल खेलते हैं, मजा आएगा जब चूहा बिल्ली को ढूंढेगा। जस्ट मिस हो गया वो। जस्ट नो मिस। जो लोग गेम हारते हैं उनका कलर ही गेम चेंजर होता है। जस्ट नो मिस। मुझे शक था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने में कोई कमी रखी होगी। अब तो मुझे यकीन हो गया है तुम्हारी माँ की गलती है। अब से मैं संभालूंगा, तुम कहीं हॉलिडे पर चले जाओ। जाओ। दस साल पहले गया हुआ मेरा बड़ा बेटा। मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ ना चाहते हुए भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है और काफी नुकसान हो जाता है। तुम्हारी वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अभी तक तेरा भाई घर पर नहीं आया, कब से फोन करी हूँ पर लग ही नहीं रहा है। ओ, वो क्या है कि उसे ब्रांड फ्रेंचाइजी के लिए अर्जेंटली यूएसए जाना पड़ गया। माँ यूएसए गया है? जाते वक्त आपका फोन ट्राई कर रहा था पर लगा नहीं। मैंने भी ट्राई किया था माँ पर लगा नहीं। बेटा तू सच कह रहा है ना? तुम टेंशन मत लो माँ, भाई बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, उसके साथ तू जो है हर हाल में भाई की हिफाजत करूंगा, तुम्हें किसी भी सूरत में दुखी नहीं होने दूंगा। तू ये मेरा कार्ड रख, तू कभी भी फोन करेगा मैं मिलूंगा। आप इंटरवल में फाइट करके आने वाले हीरो जैसे लग रहे हो। कौन हो आप? बंगा राजा हूँ। क्या चाहिए आपको? बुचैया जी चाहिए। मारोगे क्या? नहीं, बात करूंगा। तो फिर बात करके मारोगे क्या? बात करके चला जाऊंगा। मारने का कोई चांस? ऐसा कुछ नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट। जल्दी जल्दी सर। आपके लिए कौन आया है जरा देखिए। कौन है? मालूम नहीं है इसलिए तो देखने के लिए कह रहा हूँ। मैं सर बंगा राजा हूँ। बंगा राजा ही है। स्वामी मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर वो सुनील वर्मा कहाँ है मुझे अर्जेंटली जानना है। बात करेंगे, तू पहले फ्रेश होकर आ। सर बहुत अर्जेंट है सर। अरे बात करेंगे, बोला ना तू फ्रेश होकर आ। इसे ले जाओ। तू दिखने में तो अच्छे इंसान जैसा लग रहा है लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है ना, तू उसे कैसे पकड़ेगा? मैं उसे हर हाल में पकड़ूंगा सर, आप सिर्फ एड्रेस दीजिए बस। अगर उसका एड्रेस मैं जानता तो पूरे चेन्नई में मेरे कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके उसे ही बिना एड्रेस का कर देता। आपकी बेटी को पता होगा, उससे पूछिए ना। ये बात पता चलेगी तो उसको ये भी पता चल जाएगा ना कि तू भी उसके जैसा ही है। बुलाइए ना सर, मैं पिलर के पीछे छुप जाऊंगा। ठीक है। अबे बेबी को नींद से जगा। क्या हुआ, बेबी उठी क्या? पहले आपके लिए एक जोक। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? राजा मौली ने मारने के लिए कहा था क्या? अरे मैंने तुझे बेबी को उठाने के लिए बोला तो पागल जैसा जोक सुनाकर मेरा दिन खराब कर रहा है। बेबी के रूम में गया था, बेबी नहीं है। फिर बालकनी में जाके देखा, वो वहां भी नहीं थी। फिर लास्ट में बाथरूम का दरवाजा खोला। क्या कह रहे बे? वो वहां भी नहीं थी। सुबह सुबह कहां गई? भाग गई। बेबी रूम में नहीं है इसका मतलब भाग गई क्या? लेटर लिख के गई है। लेटर लिख कर गई मतलब भाग गई क्या? डैडी मैं भाग कर जा रही हूँ। डैडी मैं भाग कर जा रही हूँ, आपको डैडी कहकर आखिरी बार पुकार रही हूँ। एसवी ने सब कुछ बता दिया। एसवी कौन है?
सुनील वर्मा। ओ, आप किसी से एसवी की एक्टिंग करवा रहे हैं, उसकी एक्टिंग काफी ओवर है। आपकी सोच उससे भी ज्यादा ओवर है। आप बिजनेस में गद्दारी करते थे ये मुझे पता था, पर गद्दारी आपका बिजनेस है ये नहीं जानती थी। मुझे तो कब से पता है, शादीशुदा हीरोइन की पॉपुलैरिटी जैसे खत्म होती है उसी तरह आपके लिए मेरा प्यार खत्म। अब आप मेरी नजरों में किसी जिहादी देशद्रोही गद्दार आतंकवादी से कम नहीं है। ओहो, इतनी घटिया सोच। आप मुझे ढूंढिए मत, मुझे पाताल में भी ढूंढेंगे तो मैं मिलूंगी नहीं। तो फिर नहीं मिलेगी। पुरानी सोच के हिसाब से आप मेरे कपड़े जला देंगे, नई सोच के हिसाब से बैंक कार्ड्स ब्लॉक करवाएंगे, आपकी मर्जी। बाय डैडी। सर एक बार वापस पढ़ो, वहाँ पे डैडी नहीं लिखा हुआ, केडी लिखा हुआ। सही। पीएस, अबे गोपाल। सर वो मैं हूँ। ओ, लेटर पहले तू पढ़ेगा, लेकिन पढ़ के सुनाने से पहले उसे एक जोक सुना देना, वरना उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके लिए ही जोक सुनाया, कंटिन्यू। पढ़ने के बाद बीपी कम ना हो तो और एक जोक सुना देना। सर तलवार पकड़ के कटप्पा फ्रेम में इंटर होगा, उसके बाद तेरी गर्दन उड़ाएगा कटप्पा। मेरी बेटी कहाँ होगी? वो कहाँ है क्या पता सर। रात को 12:30 बजे होगा सर, फिर बेबी एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन के, इतना छोटा सा, देखो ना सर, इतना छोटा सा, पहन के फोन से बात करती हुई टैक्सी वॉक करती हुई चली जा रही, शायद कोणार्क एक्सप्रेस, कुछ तो याद आ रहा है। बंगा राजा चोर नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है सर, बस थोड़ा सा मेंटल है सर। सच कह रहा हूँ सर, बहुत बड़ा चोर है, छोड़ना नहीं सर। अभी वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, कल से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है सर, उसका फोन नंबर भी हमारे पास नहीं है सर। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ। सॉरी सर, इसके पास है। हाँ, मेरे पास है सर। हेलो। हाँ बंगा राजा, कहाँ हो तुम? यार मैं अर्जेंटली रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। ऐसी बात है। अरे कौन सा रेलवे स्टेशन जा रहे हो? भोंगी रेलवे स्टेशन, कोणार्क एक्सप्रेस पकड़ने। ठीक है, संभल कर जाना है। संभल के यार। उसे पकड़ लीजिए सर, एक नंबर का चोर है वो। हाँ गीता, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट मेरे पैंट की जेब में है। और पैंट कहाँ है? किसकी पैंट? मेरी पैंट कहाँ होगी, मेरी कमर पे है। तुम कहाँ हो? किचन में। माँ, सासू माँ। सास नहीं, तुम्हारी तो जान ले लूंगी। कौन है? तुम्हारा दामाद। थैंक्स गीता। मार डालूंगी तुम्हें। मार देगी तो अमेरिका कैसे जाएगी? रुको ना। मैं रुक नहीं सकता, अर्जेंट भोंगी रेलवे स्टेशन जाना है। मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, आज सबमिट करना है। तो मेरे काम करो, तुम भी रेलवे स्टेशन आ जाओ, वहीं तुम्हारा पासपोर्ट देता हूँ। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं भी। अच्छा ठीक है, चौधरी सर से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट भी बनवा देता हूँ। चौधरी सर? अब ये गधा कौन है? ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। वो गधे नहीं है, बहुत अकलमंद है, एक नंबर के बदमाश नहीं है, अच्छे इंसान है। ला फोन इधर दे तू। सुनो बेटी, कट हो गया है सर, वो बहुत गुस्से में थी सर। टेंशन मत ले, स्टेशन पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, गीता तुझे मिल जाएगी, डोंट वरी। सिर्फ गीता से ही नहीं मिलेंगे सर, उस सुनील वर्मा से भी मिलेंगे। सर जल्दी चलिए सर, ट्रेन निकल रही है, ट्रेन छूट रही है सर। या नेक्स्ट सन, नेक्स्ट सन। टिकट, जल्दबाजी में चढ़ गई, टिकट लेने का वक्त ही नहीं मिला। टिप टॉप रेडी होने का टाइम है, टिकट लेने का टाइम नहीं है। हेलो टिकट? नो टिकट, आई वाज इन अ हरी, विल टेक इट इन द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेशन। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? या। वादा निभाना? पक्का? या। डॉक्टर बासा अलियास दुर्वासा, बिना टिकट लिए मेरे ट्रेन में चढ़ना और टिकट लेके नर्क में जाना एक ही है। हैंड्स डाउन। ट्रेन में क्यों?
क्यों बैठने को बोला? फ्लाइट से हम दोनों आउट ऑफ इंडिया चले जाते। सॉरी, माफ कर दो। मैं भी सॉरी हूँ, तुम हमें गलत समझ बैठी। मेरे बूढ़े बाप ने शॉप वाले आदमी के साथ मिलकर मेरा शो बर्बाद कर दिया। हम अलग भी उनकी वजह से हुए, इसलिए मैं घूम कर आऊँ। कितना क्या चिपक कर खड़ी हो, छोड़ दो उसे। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। तुम डरो मत डार्लिंग, इन्हें डैडी के पोस्ट से निकाल कर वॉचमैन की पोस्ट पर ट्रांसफर कर रही हूं। तुझे तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। इमरान के पप्पी के जैसा, मुन्ना भाई की झप्पी के जैसा मेरा डार्लिंग बहुत प्यारा है। अबे तू तो छोड़ दे। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, मगर आपकी बेटी छोड़ ही नहीं रही, तो क्या करूँ? यस, आई एम बंगा राजा। मेरे डार्लिंग ने कहा इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ी, सीट पर बैठने को बोला इसलिए बैठी, उसने मुझे किसी भी स्टेशन पे पिकअप कर लूंगा बोला है इसलिए वेट कर रही हूँ। हम लोग भी वेट करेंगे सर, और कोई चारा ही नहीं है। सुनील वर्मा एक सुनामी है, उसका सामना मत करना। एक बार भी उसका नाम मत लेना मेरे सामने। मेरी बच्ची है फिर भी सोचूंगा नहीं, धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा। मेरा ही नसीब बदनसीब। गीता गीता, तुम ट्रेन में क्यों चढ़ी? तुम ट्रेन में क्यों चढ़े? इस लड़की के लिए। इस लड़की के लिए? इस लड़की के लिए, लेकिन ये मेरी कुछ नहीं है। मतलब इस लड़की को पकड़ के उस तक पहुँचूंगा, इसलिए। वो कौन है? ये है। अब ये बेवकूफ कौन है? सुनील वर्मा। मिस्टर चौधरी। हाँ? तो फिर ये कौन है? मेरी लवर है। ओहो, हम दोनों का टेस्ट सेम सेम है। तुझे शर्म नहीं आती? व्हाट्सएप पे जैसे फोटो शेयर करते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती हो? तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। हाँ सही कहा, लेकिन इन्हें घटिया मत कहना। हाँ ये तो ऐसा ही है, मगर मेरा बाप नहीं है। तू मुंह बंद कर और तू सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट सर, आप बोलिए। बात ये है कि जरा खुलकर बोलिए। बेबी मेरे ऊपर गुस्सा हुई है, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। अभी बंगा राजा की बात पर आऊंगा तो मेरी बेटी से प्यार करने वाला ये नहीं बल्कि ये है। मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दे दूंगा गीता। Don't touch me. मुझे मिस करना तुम्हें पसंद नहीं है ना? तुम्हें नहीं, अपने हाथ पर मिस करने से डर रही हूँ। मतलब वो टीटी तो इसी तरफ आ रहा है। हाँ तो बिना टिकट के ट्रैवल किया तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो क्या करेगा वो? ट्रेन से बाहर फेंक देगा क्या? हाँ फेंक देगा। उसमें क्या, मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखाऊंगा तो मुझसे शेक हैंड करके मुझे सीट देगा, सीधा मैजिक। सुनो, टिकट मुझसे टिकट मांग रहा है? एक दूंगा ना, एक नंबर के लिए चला जाएगा। मैं सीनियर कॉर्पोरेटर हूँ, मुझसे टिकट मांगेगा? तू कॉर्पोरेटर है या कार का कॉर्पोरेटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बिना टिकट के तू मेरे ट्रेन में घुसा कैसे? तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। सस्पेंड कराएगा? और क्या? पक्का? यस। कराएगा? क्या करेगा? वादा। तुझे सस्पेंड करवाऊंगा। सस्पेंशन नहीं, अवार्ड मिलेगा। रेलवे से गद्दारी नहीं बेवकूफ। टिकट? टिकट नहीं है, फाइन दूंगा। पक्का? लेकिन पर्स किसी ने चुरा लिया? तुम्हारी जिंदगी मैं चुरा लूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया? तू यहाँ छुपी है, मैंने देख लिया है, तुझसे बाद में निपटूंगा। लोगों का पर्स गुम हो जाता है ना। मेरे पासपोर्ट कहाँ है? छुट्टी में फिल्म देखने जाना, ट्रेन में चोर आना, दोनों बातें कॉमन है। पासपोर्ट कहाँ गया? पासपोर्ट गया? टेंशन मत लो, अभी टेंशन लो, सच में खो गया है। यू इडियट, अब तुम गए। मेरा पासपोर्ट दो मुझे। अरे अरे, तुम मुझे मार रही हो इसलिए नहीं रोका, तुम्हारे हाथ में दर्द ना हो इसलिए रोका। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तू मुझे छोड़ नहीं पा रहा है ना? पर मैं छोड़ कर जाऊंगी, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? मेरी जेब मारने वाला कौन है समझ में नहीं आ रहा है। कहीं वो तो नहीं? थैंक्स। इट्स ओके सर, को 10 रुपए के चने देना सर, कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। आप जैसे लोगों के रहते हम कभी परेशान नहीं होंगे। ओके। टिकट सर, थैंक यू। अरे बंगा राजा। अरे रंगा। अरे बंगा। हम फिर मिल गए रे, क्या चाल है?
तू तो मोटा हो गया। वैसे जा कहाँ रहा है तू? मैं अपने काम जा रहा था। काम से जा रहा है या काम करते हुए जा रहा है? मेरा दिन अच्छा बीतेगा और चार पर्स मिलेंगे, ऐसा मुझे किसी महानुभाव ने कहा था। वो मेरा बाप। ओ फुलझड़ी, तू भी इधर? बंगा राजा से शादी करके सेटल होने के लिए स्विट्जरलैंड और हनीमून मनाने वहीं जा रही है क्या? कोणार्क एक्सप्रेस से कोई स्विट्जरलैंड कैसे जा सकता है? स्विट्जरलैंड जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देख, अगर तूने इसका पासपोर्ट लिया है तो लौटा दे यार। पासपोर्ट मतलब वही ना, एयरपोर्ट में फैशन जैसा हाथ में पकड़ के राशन कार्ड की तरह दिखा रहा था, उसका मैं क्या करूंगा? अरे अरे बस बस बस, ये औरत पता नहीं किसका गुस्सा किसके ऊपर निकालती है। लो देख लो, यही है। ओ अच्छा, यही है तेरी पासबुक? मैं पर्स समझ के चुरा ली था, मुझे क्या पता ले लेगा तू। तो चोरी करने से पहले इंसान का चेहरा नहीं देखता? बोला तो था यार, इस धंधे में कभी भी चेहरा नहीं, सीधा पर्स देखना चाहिए। तू तो इंटेलिजेंट है यार, बिल्कुल हमारे पप्पू की तरह। अरे वाह, आई वांट टू फॉलो 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 फॉलो, आई वांट टू फॉलो फॉलो फॉलो। गीता छोड़ो मुझे। गीता सुनो तो, मेरी बात तो सुनो तुम। संजना तुम कहीं जाओ मत, वहीं रहो। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें वो भी चाहिए और मैं भी, ना मुझे छोड़ना है और ना उसे। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे लिए सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट और कोई नहीं। इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। अरे तू कहाँ गायब हो गया राजा? मेरा एग्जाम ले रहा है क्या? एग्जाम से मुझे एलर्जी है रे राजा। एक बार एक लेक्चरर ने मेरा एग्जाम रखा था तो मैंने उसे ही मार दिया था राजा। फिर से एग्जाम मत रख, जो बोला वो जल्दी करके आ जा। हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे भागने की क्या जरूरत है, ट्रेन ही हमें भगा के ले जा रही है। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ बंगा राजा? बाप रे, बस मारते तुमने पकड़ लिया, तगड़े इंसान हो, लो रख लो। सर पर्स तो नहीं चुराया लेकिन जरा गोल्ड ले लिया मैंने। उसे पकड़ रहे। सर आपकी बेटी कहाँ है? उधर है। मुझे लगा वो अभी तक चढ़ी नहीं। अरे वो चढ़ी नहीं होती तो मैं इधर क्या करता? मगर ये नहीं छोड़ेगा मुझे। ये तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। सर सर वो लोग सब विदाउट टिकट है। ऑलमोस्ट 15 टिकट्स, रेलवे को मुफ्त की सवारी बना रखा है। देखते ही है टिकट्स चल रहा है। पागल है क्या? तुझे पता है किसकी ट्रेन में बैठा है? एक झटके में ट्रेन के बाहर होगा तू। क्या है? ओके, आ रही हूँ। बात करो। कौन है? तुम जिसे ढूंढ रहे हो, सुनील वर्मा। ए बंगा राजा, तू क्या सुनील वर्मा को ढूंढेगा? सुनील वर्मा की नजर 24 घंटे तुझ पर है, यकीन नहीं होता तो बाहर देख। तू कहाँ जा रहा है? कूदने के लिए। उसके जैसे मरेगा तू भी। आजा आजा। अरे सुनील वर्मा, ऐसे मेरे साथ खेलो मत। महादेव साहब से बात करो। तू तो गया। सर आपकी मूर्ति मैंने नहीं चुराई। मैंने मूर्ति के लिए फोन नहीं किया तुझे। जिस महादेव से सारी दुनिया डरती है, उस महादेव के घर में आने की हिम्मत की, और वो भी 30 लोगों की
आंखों में धूल झोंक कर। सर मेरी बात एक बार सुनिए तो सर। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तूने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं भी एक चोर हूँ और मेरे जैसे चोर के घर में तेरे जैसा नालायक चोर घुस आए ये मुझे मंजूर नहीं। तुझे बड़ा बेटा कहने वाली बुढ़िया को अब तक क्यों नहीं पकड़ा यही सोच रहा है ना तू? सुनो बेटा। माँ। बेटा। माँ। तूने मेरे इंटेलिजेंस की इंसल्ट की। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मेरा कोई हमशक्ल है सर, सच कह रहा हूँ। तेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है बताऊँ? तू कोई सेलिब्रिटी गेस्ट है और मैं तुझे सारी कहानी सुनाने वाला होस्ट हूँ। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। नहीं सर। उसके बचने के चांस है या नहीं ये उसके हेल्थ स्टेटस पर डिपेंड करेगा। नहीं सर नहीं। माँ जी इधर देखिए। सर सर मेरी तो आपके बारे में जो सोचा है वो पूरा करूं। सर मेरी माँ पर हाथ मत उठाइए। हे भगवान। फोन पर तुझसे बात करते हुए मारने में बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। एक छोटा ब्रेक लेता हूं और बहुत जल्द वापस आता हूं। गया रुक जा अब तेरा भी खेल खत्म करता हूं। ठीक है आ जा लगता है तू सुनने के मूड में नहीं है। तेरी नजरों से दूर गया तो ये छोड़ दूंगा क्या समझा? पांच मिनट में मेरी माँ कार में नहीं बैठी तो इसका पैर तोड़ दूंगा और एक घंटे में मेरी माँ घर नहीं पहुंची तो इसका सर फोड़ दूंगा। तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो कहेगा कि मुझे मार डाल। मेरे ख्याल से वो अब तक तेरी माँ को मार चुका होगा। मेरे बेटे को छोड़ दो मेरे बेटे को।
भाई को छोड़ दो। प्रोग्राम का होस्ट मैं हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटूंगा। सुनो बेटा। हाँ माँ। तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ। मुझे पता है बेटा, तुम गलत कर ही नहीं सकते। मगर अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, जिसे मैं ठीक कर दूंगा। संभल कर बेटा। भाई, मैं यही हूँ आपके सामने। और कहाँ है? कहाँ है सुनील वर्मा? सच में मुझे नहीं मालूम, मैं बस उसके टच में रहता हूँ। सुना है कि वो तुम्हारे जैसा है। राधे मुझे। ये आखिर तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? इसी ने फॉलो करने को कहा था। सुनील वर्मा गैंग का ये खास आदमी है। इस गैंग के मेंबर कितने हैं? मैंने क्या गलती की? तुम लोगों ने मुझे ही टारगेट क्यों बनाया? मुझे जो मालूम है बताऊंगा। महादेव के बैटिंग का पैसा लाफिंग बुद्धा के रूप में हांगकांग से मंगवाया गया है, जो एक जगह छुपा कर रखा गया है। ये बात सुनील वर्मा को पता है, लेकिन वो कहाँ है इसकी डिटेल्स महादेव और सहदेव को ही पता है। वो मूर्ति कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि महादेव के बेटे को पकड़ा जाएगा। उसे कैसे टारगेट करना है यही सोच रहा था जब तुम दिखे, और मुझे लगा तुम ही सुनील वर्मा हो, और इसी गलत फहमी में तुम मेरे टारगेट बन गए। उसके बाद सुनील वर्मा ने प्लान बनाया कि किस तरह से उसका बेटा ट्रेन में चढ़ेगा। उसके ट्रेन में चढ़ने तक और तुम दोनों के ट्रेन से बाहर कूदने तक सब कुछ जैसा उसने प्लान बनाया था वैसा ही हुआ। बाद में पता चला कि तुम सुनील वर्मा नहीं हो। अगर ये सुनील वर्मा इतना बड़ा तोप है तो उसी सहदेव के पीछे पड़कर उसे पकड़ना था ना? सुनील वर्मा दिमाग से काम करता है, ईगो से नहीं। अगर उसका प्लान फेल हो जाएगा तो तू मिलेगा, सुनील वर्मा नहीं। चल उठा, उसे बोल के तेरे प्लान के मुताबिक सहदेव मिल गया है, ये ले। सहदेव इस समय पोडियल के बाजू के फार्म हाउस में है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। आने दे सालों को, एक एक को मार के साथ में इसे भी खत्म करके महादेव के सामने फेंक दूंगा। जल्दबाजी में एक बात बोलना भूल गया, तुम्हारा भाई हमारे पास ही है, वो भी सुनील वर्मा का ही आदमी है। तुम दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ब्लैक कोट ब्लैक चश्मा पहनकर भारी वॉइस में बात करता है। अभी तक तुम सब ने मेरे साथ खेल खेला, अब मेरी बारी है। और सुनील वर्मा को पकड़ के मेरे भाई को मैं बचा लूंगा। वर्मा को टच करेगा तो जल जाएगा, इसे छूना यानी यमराज को बुलाना। एसवी, तुम यहाँ कैसे? और कहाँ रहूंगा मैं? मूर्तियाँ मिलने तक सामने नहीं आऊंगा, ऐसे कहा था ना? तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए मुझे आगे आना पड़ा। बंगा राजा का क्या हुआ? हमेशा ठंडे रहने वाले बंगा राजा को आज गुस्सा आ गया, उस पर जुल्म हुआ और वो भड़क उठा, इनकी बैंड बजा कर गया। बंगा राजा में उतना दम था क्या? दम हर इंसान में होता है, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। टाइम आता तब वो उसे दिखाता है, आज उसका टाइम आ गया, अपना काम किया और चला गया। इसे यहाँ छोड़कर कहाँ गया? वो मेरी ग्रिप में ही है, हीरोइन के मेकअप मैन की तरह यहाँ वहाँ थोड़ी घूमेगा वो। सहदेव है ना, बस हो गया। मूर्तियाँ कहाँ है कुछ पता चला? पता लगाने के लिए इसे जगाना होगा। ये कब उठेगा? आइडल्स कब मिलेंगे? करोड़ों कब हाथ में आएंगे? लड़कियों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। इतना सब्र क्या कम है? डार्लिंग, यू आर टू गुड, यू आर टू हॉट। I miss you.
Then kiss me. सबके सामने? कोई आगे हो या पीछे मुझे किस करना है। I don't care. छे, बदमाश कहीं के? तुझे देखकर बदमाशी करने का दिल करता है। धोनी के रन्स की तरह, ऋतिक के डांस की तरह मन उछलने लगता है। क्यों रे? मुझे गुस्से से देखेगी? यह आंखें किसे दिखा रही है? अपनी आंखें बंगा राजा को दिखा। मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं हूँ, मेरा गुस्सा तो खुद पर है। क्यों? उस बंगा राजा पर विश्वास करके इतनी दूर आई इसलिए? नहीं, इतनी दूर आने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया इसलिए। मतलब तू उस बंगा राजा से प्यार करती है? इतना ही नहीं, मैं बंगा राजा से प्यार करती हूँ इस बात का मुझे गर्व है। इतना ही प्यार करता है तो उसे तेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। वो हर पल मेरे साथ ही है। उसे फोन करता हूँ। रुको, वो यहीं कहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, कहाँ जा रही हो? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत भगाया है। हा? आज तू बचेगी नहीं, आजा। ए, आज इसे भागने मत देना, पकड़ो। अपने हाथों से मैं ये काम नहीं कर सकता साहब, ये मेरी आंखों के सामने ही बड़ी हुई है। ए, मैंने जो एक बार कह दिया वही करता हूँ। अगर तुझे तकलीफ हो रही तो उधर घूम जा। जा बेटी, वो नहीं मानेगा, जा। आजा। अब तो भगवान का ही सहारा है। भागना नहीं है, और ड्रिंक के साथ बिरयानी पक्के। आजा। कौन है रे? अच्छा चांस मिस हो गया। ए, तू कहां से आ गया? फार्म हाउस में प्रकाश राज खेती करता है ये तो सुना है, लेकिन ऐसा गंदा काम करता है ये आज पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या बात कर रहा है तू? ये आदमी मना कर रहा था फिर भी तुम ऐसा कर रहे थे साहब। हमें भी पसंद है। क्या, तुझे भी ये पसंद है? मतलब हमें भी थोड़ा मिल जाता है साहब का होने के बाद। हर रविवार को हमारा ये मामूली काम है साहब। अरे हम लोग कौन से जमाने में जी रहे हैं बे? तू यहाँ आया ही क्यों? तू यहाँ क्यों आया बे? तूने वहाँ जो किया उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा ये बता, तू अभी किसको फंसा रहा है? इस बार पूरे ग्रुप को फंसाया क्या? बंगा राजा मिला क्या? ये कौन है? अरे तू कौन है? बंगा राजा तेरे सामने खड़ा और तू बंगा राजा के बारे में पूछ रहा है? तुम जानते हो बंगा राजा को? तुम जानते हो? जानता हूँ। नहीं जानते हो? ए, तुझे दिमाग है क्या? तुम्हारे पास नहीं है इसलिए अपने पैंट से बड़ा पॉकेट सिलवा लियो। ब्लडी फूल, तू है गोभी का फूल, यही है बंगा राजा। नहीं, सुनील वर्मा। कौन सा वर्मा? सुनील वर्मा। अरे वर्मा, यही है बंगा राजा। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे पहचान कैसे लिया था तुमने, बताओ जरा। मैंने सिर्फ यही पूछा। हाँ। कि तू यहाँ कर क्या रहा है? अगर तुझे किसी ने नहीं बुलाया तो आखिर तू यहाँ कर क्या रहा है, बताओ रे। ये फॉर्म हाउस हमारे सर का ही है। वो कौन है? वो मैं हूँ। हमें भी भूख लगी है, हमें भी कुछ मिलेगा तो। एक दो रहेंगे तो ठीक है सर, इतने सारे लोगों को कृष्णा विनी कैसे संभालेगी? भाग लक्ष्मी को भी तैयार करूं क्या? नहीं नहीं, भाग्य लक्ष्मी मुझे अगले संडे के लिए चाहिए। भाग्य लक्ष्मी मुझे अभी चाहिए। ठीक है, काट दे। काट दे मतलब? मुर्गी को काटे बिना कैसे खाएगा? भाग्य लक्ष्मी मतलब मुर्गी? कृष्णवेणी का मतलब भी मुर्गी है। तो क्या सोच रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस में इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, मगर यहाँ ऑडियंस कौन है, एक्टर्स कौन है, मुझे बस इतना ही जानना है। पांच मिनट में मेरे फार्म हाउस को खाली कर दो, नहीं तो तुम लोग नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। और आखिर कितना वक्त चाहिए तुम्हें? No!
ये तो किसी सियार के चिल्लाने की आवाज है। अरे ये यहाँ कौन पड़ा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद बंगा राजा ने इसे बांध कर रखा होगा। ऐसा ही हुआ होगा डार्लिंग। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लड़की कौन है? उस बंगा राजा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये आधे कपड़े वाली तुम्हें डार्लिंग क्यों कह रही है? मैं मेरे डार्लिंग को डार्लिंग कह रही हूँ। बहुत जोर की लगी है। सिंक हुआ है। मतलब वो बंगा राजा यही कहीं आसपास घूम रहा होगा, ये तो क्लियर है। ये मंद बुद्धि वाला है। हेलो मास्टर, एक बात तो क्लियर है, तुम लोगों को बेवकूफ बना के नचा रहा है। वही बंगा राजा तुम सबको बेवकूफ बना के नचा रहा है। मुझे बस इतना जानना है कि इस वक्त मेरे फार्म हाउस में और कितने लोग हैं। ये यहाँ क्यों है? तू कौन है? तू कौन है रे? ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा है। बहुत जोर की लगी है। फिर से सिंक हुआ। अरे तो उसे छोड़कर क्यों आया? क्या और एक है? वो कहीं नहीं जाएगा, उसे बांध कर रखा है यहाँ। इसको बांध के रखा है किसने? बंगा राजा। तू बंगा राजा को जानता है? तू जानता है? जानता हूँ। जानता है तो हम में से बंगा राजा कौन है बता? मुझे पूछेगा? बहुत मार खाया है इसने। तेरी टाइमिंग अच्छी है, तू नहीं जानता, मैं समझ गया। उसने वहां से जंप किया। तू बंगा राजा नहीं, वो तो ठीक है, तू बंगा राजा को जानता है क्या? बंगा राजा मतलब आपके पास जो कुरियर का काम करता था वही ना? है उसे मैं जानता हूँ। एक्सप्रेशन अच्छा है, चल निकल। लेटेस्ट बेस वॉइस ऐड किया है। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तो मेरी बात सुनो, यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। रुक जा, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं। मुझे कोई फिक्र नहीं है। सुनाई नहीं देता? नहीं सुनूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी तो सेफ रहूंगी। प्लीज, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू मुझसे बात कर रहा है या उससे बात कर रहा है? मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। हाँ? अबे गधे, अपनी गर्लफ्रेंड पे कोई गुस्सा करता है? वेलकम बैक। तुझे तुम है? मुझे तो क्या बे, नीच कहीं के। तू मेरी माँ पर हाथ उठाएगा और मैं चुप रहूंगा, अब तो कैसे गिड़गिड़ाएगा ये मैं तुझे बताता हूँ। मेरा नाम महादेव है, मैंने एक बार बंगा राजा की माँ पर हाथ उठाया था, अब मेरा ऑपरेशन हो रहा है, इसके बाद शायद मैं बचूं या ना बचूं। अब तो नहीं बच सकता। तू है कहाँ? तेरे पास ही आ रहा हूँ बे। मूर्ति कहाँ है बता? विजयनगर में स्पिनिंग मिल में है। सुन लिया ना, अब तो उधर आ और मेरा सामना कर। चलो विजयनगर, गो फॉर द गोल्ड। बॉस, वो फैक्ट्री में आएगा तो उसे उड़ा दूंगा। उसे रोकने का काम तेरा, उड़ाने का मेरा है। वाव, 900 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं। क्यों रे, तू क्यों इतनी खुश लग रही है? तुम अपने बंगा राजा के बारे में सोचकर खुश हो और मैं अपने बंगा राजा के बारे में। सर, फैक्ट्री के सारे कैमरों को ऑफ कर दो। क्यों सर? जो बोलता हुआ कर। ए, कैमरे ऑफ कर। सर, कंप्रेसर रूम में चल। बंगा राजा! कड़क बॉडी है बे। तोंद कड़क नहीं। है
यूसी आ रहा हूँ। बेटी संभल के, बंगा राजा जितना सोचा था उतना सॉफ्ट नहीं है। अपने प्लान का काउंटर प्लान बना दिया। मूर्तियां इधर कंप्रेसर रूम में है, उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। वो सुनील वर्मा आ रहा है, वो मूर्ति कहाँ है ये पता चलेगा तो उसे पकड़ सकते हैं। चलो लाइफ में अगर ऊपर जाना है तो टेम्पटेशन में फंसने का नहीं। ड्रॉप द गन। अरे हाथ कौन ऊपर करेगा? वो मूर्तियां कहां? नमत अगर जरा सा भी हिला ना तो मैं ये दे और ये ले। तेरी गन में क्या जंग लग गई है? तेरी तो छूट कर चलती। उधर कोई नहीं है भाई। अंधा बेवकूफ। भाई साहब वो कंप्रेसर रूम कहाँ है बता सकते हैं? क्यों रे, खेल रहा है तू? प्लीज भाई साहब। गन फेंक। मूर्तियां कहाँ रखी है? चल बता। हाँ बोल। मूर्तियां कहाँ पर है पता चल गया? यहाँ जाओ। हा? अबे आना किधर है? पूरी बात नहीं बता रहा। टेंशन मत लो, दोनों को ही मार डालूंगी। गीता गो अहेड। डस्टबिन कितना भी अच्छा हो उसमें कचरा ही डालते हैं। चलो। तेरी तो, अबे तेरे तो उधर देख बे। कहाँ है बे? गन पॉइंट पे जोक मत कर। उसी हाथ से वो भी ओपन कर देना। कर बेटा। कहाँ ये सुनील वर्मा? कहाँ है? कहाँ है बे तू? मुझे देख के तुझे जितना शौक लग रहा है मुझे भी उतना ही शौक लग रहा है तेरा गुस्सा देख के बंगार राजा। शौक कैसा रे?
पहले का बंगा राजा और अभी का बंगा राजा में बहुत बड़ा फर्क है। एक खरगोश है, दूसरा कछुआ। एसवी, तुमने अगर और थोड़ा लेट किया होता तो ये मार डालता हमें। एसवी यानी श्रीनिवास। तो फिर सुनील वर्मा? अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया, असल में सुनील वर्मा नाम का कोई है ही नहीं। सुनील वर्मा को हमने क्रिएट किया है। प्लान बनाकर गिरने वाले को खड़ा करके प्लान एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसका मजा अलग ही होता है राजा। छोटे छोटे स्कैम करने वालों को तुमने बड़ा स्कैम करने का मौका दिया। महादेव के पास जो आइडल्स है ना, उसका भाव 900 करोड़ है। उसका अमाउंट बड़ा है और रिस्क भी उतनी ही बड़ी है, तो उसके लिए प्लान भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ना। चोरी करने में तकलीफ नहीं है, चोरी करते वक्त माल नहीं मिला तो तकलीफ है। वो हमारा एंट्री प्लान था और ये है एग्जिट प्लान। महादेव वो बाज है जिसकी नजर से आज तक कोई भी बच के निकल नहीं पाया है। बाज को सिर्फ उसका शिकार नजर आता है, और उस खतरनाक बाज का शिकार हम सब ने तुम्हें बनाया। वेरी इनोसेंट एंड सेंटिमेंटल फिश। तुम्हारे इसके माँ से मिलने के बाद ही हमने प्लान बनाया था। एटीएम के वीडियो फुटेज को एडिट करके श्रीनिवास के फेस की जगह तुम्हारा फेस लगा दिया। जोर से मार। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग, जरा जोर से मारो। उसे यकीन होना चाहिए, 900 करोड़ ऐसे ही नहीं मिलेंगे। गुड शॉट। तेरे भाई को बचा ले, वो बेचारा मेरे पैरों में पड़ के बहुत रो रहा है, मैं मारना नहीं चाहता। फार्म हाउस में तूने सुनील वर्मा का एक्ट किया और हम लोगों ने वो मानने का एक्ट किया, और तुझे और इसे यहाँ तक लेकर आए। तुम लोगों को मारकर सारी मूर्तियां लेकर जाएंगे और तुझे गायब कर देंगे, और ऐसा सबूत छोड़ेंगे कि इल्जाम तुझ पर आ जाएगा। स्माइल प्लीज। टेंशन मत लेना बंगा राजा, तू मरेगा तो ही तेरा भाई जिंदा रहेगा। तेरे नाम पर बैंकॉक का टिकट बनवाएंगे, और तुम कहां छुपे हो महादेव तुम्हें ढूंढता रहेगा। उसके बाद हम किंग जैसी जिंदगी जिएंगे, और महादेव का लड़का सहदेव वो डोर ओपन करेगा तो हम सारी मूर्तियां लेकर जाएंगे। सहदेव, तो दो, अब आगे क्या होगा? और क्या होगा, दोनों को ठोक दो। मरने से पहले भगवान को याद कर ले बंगा राजा। माँ, तू ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कि माँ बोलने से हम तुझे छोड़ देंगे? इतनी प्लानिंग की तूने, लेकिन एक माँ के साथ ऐसा करेगा ये सोचा नहीं था। क्या किया, क्या किया? उसने माँ पर हाथ उठाया। हाथ उठाया तो क्या हुआ, मार तो नहीं डाला ना? वैसे भी टेल मी दिस, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो बुढ़िया को दो फटके पड़ जाए तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? तुझे मार भी डालूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा। अपनी माँ के नाम ने तुझे बचाया, शुक्र माना। ए! अब तुम्हें तुम्हारा बाप भी बचा सकता है।
सर 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 आप रहने दीजिए, हम लोग देख लेंगे। पापा इसके साथ मत लड़िए, ये बहुत गुस्से में है पापा। मेरे बेटे पर हाथ उठाया, इसके हाथों से मार खाया, इतना कमजोर हो गया है तू? हिसाब बराबर। मैंने तेरे बेटे को मारा, तूने मुझे मारा, हिसाब बराबर। पर तूने मेरी माँ को मारा, उसका हिसाब अभी बाकी है। तुम लोगों ने क्रिकेट का सट्टा खिलवाकर कितने लोगों को बर्बाद करके मौत के घाट उतारा। तुझ जैसे बेईमानों को और तेरे उन सारे साथियों को जेल की काल कोठरी में डलवाऊंगा, तू देखता जा। गीता कॉल द पुलिस। तीन साल में भाई वापस आ जाएगा, एक नई जिंदगी शुरू करेगा। तुम परेशान मत हो माँ। मैं क्यों परेशान होंगी? भगवान ने मेरे एक बेटे को दूर किया तो मुझे दूसरा बेटा भी दे दिया, और वो भी बिल्कुल गोल्ड के जैसा। मेरी गोल्ड चेन गायब है। अबे रंगा! अरे बंगा राजा! ओ बंगा राजा, हम तो फिर से मिल गए यार। ये बता गोल्ड की चेन कहाँ है? कौन सी गोल्ड चेन? अरे रे तुम यहीं पर हो क्या? रुको रुको मैं जरा निकाल के दिखाता हूँ। मेरे हाथ में खुजली ज्यादा है ना, ये लो इनमें से जो तुम्हारी है वो ले लो। नहीं तुम ही रख लो। है? तुमने बंगा की हेल्प की ना, इसीलिए। अरे वाह तुम तो बहुत ही अच्छी, आज तुम मारोगी नहीं ना मुझे? कौन है तू? लगता है ट्रेन से किसी ने धक्का दे दिया है। अबे खाए पिए मोटे गैंडे की तरह दिखता है, दो आदमी का खाना अकेले खा जाता है, कभी कभी किसी के साथ बांट भी लिया। मुझे पता चल गया तुम भूखे हो ना। अगर इस समय खाना मिल जाए तो जानवर बन जाऊंगा। हे हे डोंट वरी, मेरे फार्म हाउस में मेहमानों को भूखा नहीं रखते। हे भाग्य लक्ष्मी को रेडी कर, हम दोनों शेयर करेंगे। भाग्य लक्ष्मी कहाँ है सर? पीने के बाद आपने उसे मेरे लिए भी नहीं छोड़ा सर, मैं भी तड़प के रह गया। तो फिर शशिकला को रेडी करो, हम दोनों शेयर कर लेंगे। रुको, भाग्यलक्ष्मी की हालत शशिकला को पता चल गई, आज सुबह से वो गायब है सर। गायब हो गई तो उसे छोड़ देगा क्या? हम दोनों पकड़ के उसे शेयर करेंगे। अबे, जो भाग गया उसे पकड़ना पाप है बे। पाप है वो? तो फिर खाएंगे क्या, हम लोग भूखे रहेंगे? अबे सियार भेड़िए दरिंदे, इस फार्म हाउस में जो पाप हो रहा है बाहर लोगों को पता है क्या? क्यों नहीं मालूम, पिछले शनिवार को ही मैंने और एमएलए साहब ने झाड़ के पीछे शेयर किया था। ये तो शर्मा रहा है यार, तू जाके शशिकला को पकड़ के ला। शशिकला अब नहीं मिलने वाली है। एक आइडिया, सुब्रमण्यम रेडी है। अच्छा और तगड़ा है, बहुत मजा आएगा सर।
तो फिर क्या सोच रहा है, जल्दी जा, हम दोनों शेयर कर लेंगे। कितना गिर गया तू, अबे जेंडर का तो ख्याल क्या कर। एक बार चढ़ गई तो मुझे कोई नहीं दिखता। अरे सुनो।